19 के चलते पिछले दो माह से म्यूनिसिपल कमेटी कालाकोट लगातार क्वारंटीन सेंटर कालाकोट सहित अन्य क्वारंटीन सेंटरों त्रियाठ तथा सोलकी के अलावा सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज करने का कार्य म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा लगातार किया जा रहा है। साफ सफाई का भी अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता भरा माहौल दिया जा रहा है। अनिल खगियाल की खास रिपोर्ट, जेके खबरनाव। मुफ्त बिजली पानी हमारा मौलिक अधिकार, साहनी जम्मू शिवसेना। बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने मुफ्त बिजली एवं पानी को जम्मू कश्मीर की जनता का हक बताते हुए इसके निजीकरण के विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि मुफ्त बिजली पानी जम्मू कश्मीर की जनता का मौलिक अधिकार है, जिसे वह जनता को दिलाकर रहेंगे। बनी के सरथली में ASI कुलदीप राज शर्मा ने लोगों में खाने की सामग्री बांटी। पंजाब के कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से यहां फंस गए थे, जिनकी मदद भी इन्होंने की। बनी से SS गनाई की रिपोर्ट। जम्मू के ओल्ड सतवारी क्षेत्र में 14 साल के बच्चे के मिले शव के बाद सोमवार को मृतक बच्चे के परिजन ने सतवारी चौक में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि मामले की जल्द से जल्द जाँच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सोमवार को मेरा साहिब क्षेत्र के गांव खारिया तथा सिंबल कैंप में एक ही कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर इन दोनों गांवों को सीज कर दिया गया और क्षेत्र में आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। जम्मू संभाग में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बाद प्रशासन की तरफ से कई क्षेत्रों को रेड जोन घोषित कर दिया गया और इन क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पूरे तरीके से पाबंदी लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी 11 जुलाई इकाई द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर भाजपा मिनॉरिटी मोर्चा के चुने गए सदस्य को सम्मानित किया। भाजपा के जिला प्रधान हरभजन सिंह पम्मी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मोर्चा के जिला प्रधान सरदार संतोष सिंह, पूर्व विधायक गारू राम भगत सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। उसी उपलक्ष्य में आज जिला आरसपुरा में जो जिला मिनॉरिटी मोर्चा का गठित किया गया, कल आपको पता है सूची जारी की गई प्रदेश की तरफ से और जिला के ऑफिस भी उसमें नियुक्त किए गए। आज उन्हीं को जहाँ पे सम्मानित करते हुए मिनॉरिटी मोर्चा के सभी सदस्यगण जहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं उन्हीं को मुबारकबादी पेश की है और साथ में जे उनको जे एक प्रेरणा स्रोत भी है कि जिस लक्ष्य के लिए उनको पार्टी ने चुना है वो अपने लक्ष्य में बराबर काम करेंगे। निष्ठा, ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ मिनॉरिटी मोर्चा जिला पूरा काम करेगा। इसके जो अध्यक्ष सरदार संतोष सिंह जी, पूरी टीम बनाई गई है, इन्हीं की अध्यक्षता में सारी टीम काम करेगी और संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि जो मिनॉरिटी मोर्चा है, जो हमारा समाज है, सिख समाज के साथ ज़्यादा जुड़े, इनकी समस्याओं को भी उजागर करेंगे ताकि इनका समस्या का समाधान भी हो और हमारा संगठन भी मजबूत हो। जो हमारी हाई कमांड ने, भारतीय जनता पार्टी के जो हाई कमांड ने हमको जो दायित्व दिया था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो मिनॉरिटी मोर्चे का मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रधान चुना और आज मेरी ये सारी टीम है जो मेरे ऑफिसर भी देर हैं, ये सब जाबाज हैं और अनथक मेहनती आदमी हैं और ये अपनी मिनॉरिटी के लिए दिन रात काम करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और अपने लोगों की समस्याएं, जो हमारे में समस्याएं हमारे मिनॉरिटी की, वो उजागर करेंगे और हाईकमान तक पहुँचाएँगे। इतना ही मैं इनसे उम्मीद करता हूँ और आज मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे मेरे जो भाई हैं ये मेहनत करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। ऑल जम्मू कश्मीर सिख यूनिटी फोरम के राज्य महासचिव सरदार बलवीर सिंह अजी ने कहा कि 26 मई को गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया विक्रमनगर स्थित गुरुद्वारे में भी सुबह शब्द कीर्तन का आयोजन होगा। मैं सरदार बलवीर सिंह जी, जनरल सकत्तर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विक्रमनगर गाड़ीगढ़, जो कि कल दे दिन कल 26 तरीक नूं जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख पूरे वर्ल्ड च वसया है, कल शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिहाड़ा हर जगह बना रहे हैं। जिथे हर जगह शहीदी दिहाड़ा बनेगा जिथे गुरबाणी कीर्तन किते जाणगे, जिथे गुरबाणी कीर्तन का सारी संगत आनंद माणगे, उत्थे गुरु साहब दे जो के शहीदी दिहाड़े दे श्रद्धा दे फुल भी भेंट करनगे, क्योंकि सिख कौम दे विच सब तो पहला जो शहीदी होई सी तो साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस हिंदुस्तान दी हाजरू बचाण वास्ते, हिंदुआं दी राखी वास्ते, इंसानियत नूं बचाण वास्ते
इन्हों अपनी शहीदी देनी पै गई सी, तो उस वास्ते सारे ही वर्ल्ड विच कल 26 तरीक नूं शहीदी दिहाड़ा बन रहा है। और हालातों मते नज़र रखते हुए, क्योंकि ये सारी तैनात जानती है कि जो भी जो ये अपना बीमारी फैली है महावारी, उस दे मुताबक टाइम नूं मते नज़र रखते हुए जो सानू अकाल तख्त साहब तो डायरेक्शन है, उस मुताबक तकरीबन सवेरे 8 बजे तक ही सारे गुरुद्वारों ते समाप्ति की जाएगी। तो नाल ही जगह जगह शिविलां भी लाइया जाएगियां, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी जो सी वो हर धर्म किसी मनता है। इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, जो कि आज तक इतिहास गवाह है कि कोई भी ऐसा गुरु पीर नहीं होया जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी की होवे।